ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सपा के राष्ट्रीय महासचिव और मंझनपुर के विधायक इंद्रजीत सरोज कोशाम्बी स्थित अपने पैतृक गांव में सेक्टर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल हुए। यहां पर अपने संबोधन में उन्होंने ब्राह्मणों के बारे में विवादित बयान दिया। पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज ने कहा कि ब्राह्मणों ने हमसे नौकरी ली, जिन लोगों ने हमसे नौकरी ली वो आज हमारे कार्यक्रम में दिखाई नहीं पड़ते हैं। नौकरी पर रखा मास्टर साहब गवाह हैं, जो लोग नौकरी ले ले वो दिखाई नहीं पड़े। आंद्राओं यहां उन्हों के लोग अभी मिले मुझे पंडित जी लोग, हमने ब्राह्मणों को नौकरी पर रखा मास्टर साहब गवाह हैं, जो लोग नौकरी ले ले वो दिखाई नहीं पड़े। आंद्राओं यहां उन्हों के लोग अभी मिले मुझे पंडित जी लोग, शायद चले गए होंगे। हाँ तो क्या धीरेन्द्र दिखाई पड़ते हैं? उन्होंने नौकरी लिया ना हमसे, धीरेन्द्र ने हमसे नौकरी लिया। कौशाम्बी के लोग श्री कैसे प्रधान है, क्या बच्चे बड़गैया ने नौकरी नहीं दिया? तो ब्राह्मण समाज के लोगों पर यह टिप्पणी की गई और ब्राह्मणों को नौकरी दी लेकिन वो आज यहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये बातें कही गई। तो ये देखिए वो स्टेटमेंट भी आपको हमने सुनाया हाल ही में, क्या कुछ कहा गया था। तो सपा विधायक का ये विवादित बयान सामने आया, जिसके बाद में ब्राह्मणों में खासा आक्रोश भी देखा जा रहा है, नाराजगी भी देखी जा रही है। और विधायक इंद्रजीत ने कहा कि ब्राह्मणों ने हमसे नौकरी ली लेकिन वो आज यहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और साथी विधायक इंद्रजीत से ब्राह्मण नाराज दिखाई दे रहे हैं। तो पैतृक गांव में सेक्टर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल हुए थे विधायक और यहां पर उन्होंने अपने संबोधन में ब्राह्मणों के बारे में एक विवादित बयान दिया। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। नौकरी पर रखा मास्टर साहब गवाह हैं, जो लोग नौकरी ले ले वो दिखाई नहीं पड़े। आंद्राओं यहां उन्हों के लोग अभी मिले मुझे पंडित जी लोग, शायद चले गए होंगे। हाँ तो क्या धीरेन्द्र दिखाई पड़ते हैं? उन्होंने नौकरी लिया ना हमसे, धीरेन्द्र ने हमसे नौकरी लिया। कौशाम्बी के लोग श्री कैसे प्रधान है, क्या बच्चे बड़गैया ने नौकरी नहीं दिया? आगरा कोर्ट में जामा मस्जिद मामले की सुनवाई होगी। जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे भगवान केशव देव विग्रह दबे होने का ये मामला है। पिछली सुनवाई में विपक्षी मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने इसे अदालत के क्षेत्राधिकार से बाहर होने का हवाला दिया था और आज सभी बिंदुओं पर कोर्ट में सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट ने इसको लेकर मामला दायर किया था। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों में केशव के विग्रह दबे होने का दावा किया था। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में 7-7 साल की सजा के बाद में आजम परिवार की सजा अब और भी ज्यादा बढ़ सकती है। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना एमपी एमएलए कोर्ट में सजा बढ़ाने को लेकर अपील करेंगे और इसे लेकर बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि दोष सिद्धि के बाद में आजीवन कारावास का प्रावधान है। एसपी नेता आजम खान अब्दुल्ला आजम और साथी तंजीन फातिमा को आजीवन कारावास की सजा दिलाने की मांग करेंगे और बीजेपी विधायक रामपुर कोर्ट में आजम परिवार को आजीवन कारावास की सजा दिलाने की अपील करेंगे। बीजेपी विधायक ने साल 2019 में अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र को लेकर थानागंज में मुकदमा दर्ज कराया था। 18 अक्टूबर 2023 को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा नेता आजम खान बेटे अब्दुल्ला आजम और साथी पत्नी तंजीन फातिमा को 7-7 साल की सजा सुनाई थी। झूठ का सहारा लेकर वो वहां गए थे और न्यायपालिका के इस फैसले सत्य की जीत हुई है। अब हम चूंकि इसमें धारा 467 है, उसमें प्रावधान आजीवन कारावास का है, हम इसमें अपील करेंगे
रामपुर सेशन कोर्ट में, और हमें पूरा विश्वास है न्यायपालिका पर कि जो ACGM कोर्ट में, जो चूंकि वो लिमिट के आधार पर 7 वर्ष जो सज़ा उनको रह गई थी, उस सज़ा को हम बढ़ाने की मांग करेंगे और उसमें आजीवन कारावास की मांग करेंगे। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।